नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। बात अगर हम करें तो महानंदा और गंगा के जलस्तर में लगातार जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में जो बाढ़ का पानी है वो घुस रहा है और लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। ऐसे में राहत कार्य जो है वो करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को समय पर बचाया जा सके। तस्वीरें सामने आई है बिहार के कटिहार से, जहां पे डीएम की तरफ से जो काम है उसमें तेजी लाई गई है और साथ ही लोगों को इस बाढ़ से बचाने की जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद कटिहार के डीएम का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। कल देखे इसमें एक टायर होकर पार कर दिया वहाँ, देख रहे हैं वहाँ से ही मौसम बना रहा है, इसका प्रभाव बाइक जा रहा है तो उधर ही से मोड़ दे रहा है ना। प्रशासन की तरफ वीडियो क्या है, उसका उसके पीछे क्या है, जरूरत क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है पारदर्शिता के लिए, क्योंकि कटाव हो या बाढ़ हो, बहुत तरह की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिससे उनको कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति की जाती है। तो बाढ़ के पूर्व का वीडियो अगर हमारे पास रहेगा तो हमारे पास ये ठोस एविडेंस रहेगा कि कितने लोगों विस्थापित हुए या कितने लोगों का घर कटाव हुआ, या जो कटाव हुआ वो पक्का घर था या पूस का घर था, क्योंकि हर एक प्रकार के घर के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है जो हम लोग क्षतिपूर्ति करते हैं। तो उस समय में देने में तत्काल हम लोग दे पाएंगे और सही मुआवजा दे पाएंगे, इसके लिए पूर्व से ये वीडियोग्राफी और प्रत्येक चरण में ये वीडियोग्राफी मैं करूँगा। बता दें कि बिहार में बाढ़ और कटाव के बाद अक्सर नुकसान को लेकर हर साल प्रशासन के सामने लोगों की दवा और जमीनी हकीकत को लेकर एक भ्रम जाल की स्थिति उत्पन्न होती है, मगर कटिहार में इस बार प्रशासन इसे दूर करने के लिए तमाम कोशिश जो है वो कर रही है। जहाँ जहाँ कटाव कहर बढ़ पा रहा है उस जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रहे हैं और जिलाधिकारी ने कहा है कि महानंदा और गंगा से जुड़े वैसे सभी बाढ़ग्रस्त गांवों का वीडियो पहले से करवाया जा रहा है ताकि समय रहते काम पूरा करवाया जा सके। इसी कड़ी में कदवा, आजमनगर, अहमदाबाद, बरारी और अन्य संभावित सभी बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में अंचल अधिकारी को इसे लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसे लेकर फिलहाल बाढ़ से पहले गांव में मरम्मत के जो काम है वो करवाए जा रहे हैं और इसको लेकर खुद कटिहार के डीएम जो हैं वो सामने आए हैं और जितने भी प्रखंड हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं उन सभी के वीडियो जो है वो बनवाए जा रहे हैं ताकि समय पर कटाव के काम को पूरा करवाया जा सके और लोगों को बाढ़ की परेशानी से बचाया जा सके। तो कुछ ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर पहले से ही काम शुरू हो चुके हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर अब तक काम नहीं करवाए गए हैं, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए और यही वजह है कि वो इलाके एक बार फिर से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ऐसे में आगे भी बिहार भर के अलग अलग जिलों से बाढ़ को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, लोग अपनी परेशानी को किस तरह से साझा करते हैं, ये तमाम तस्वीरें और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बन रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।